देश की एक बड़ी कंपनी अपना पोर्ट का कारोबार बेचने जा रही है। वो इस पैसे से बैंकों से लिया हुआ कर्ज को चुकाना चाहती है। अब वो कौन सी कंपनी है जिसने कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़े विलय और अधिग्रहण किया है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। एसआर ग्रुप ने अपने कुछ बंदरगाह यानी पोर्ट्स और बिजली के बुनियादी ढांचे को बेचने का फैसला किया है। एसआर ग्रुप ने आरसेलर मित्तल निपॉन स्टील के साथ एक बाइंडिंग अग्रीमेंट किया है, यानी बाध्यकारी समझौता। ये सभी स्टेट्स मुख्य रूप से हजीरा इस्पात संयंत्र को चलाने के काम आता था। अब आपको पूरा सौदा कितने रुपए में हुआ है ये भी बता देते हैं। ये 2.4 अरब डॉलर यानी 19,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुआ है। बता दें, एसआर समूह ने हजीरा गुजरात में अपने बंदरगाह, बिजली और कुछ अन्य बुनियादी ढांचा संपत्ति को बेचकर भारतीय बैंकों को 2,00,000 करोड़ रुपए के अपने भारी कर्ज का भुगतान करेगा। इसके बाद कंपनी ग्रीन बिजनेस में अपना कदम रखेगी। इस सौदे से एसआर और आरसेलर मित्तल के बीच 50-50% संयुक्त उद्यम साझेदारी यानी ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप की गई है, ताकि गुजरात के हजीरा में 1,00,000 टन सालाना LNG टर्मिनल बनाया जा सके। LNG टर्मिनल क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। LNG टर्मिनल तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के आयात और निर्यात को मैनेज करता है। इसमें LNG कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए समुद्र में जाने वाले टैंकरों से साइट पर स्थानांतरण, द्रवीकरण, पुनः गैसीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण, पंपिंग की जाती है। अब ये सौदे से जुड़ी हुई रोचक जानकारी भी जान लीजिए। आरसेलर मित्तल निपॉन स्टील ने 2018-19 में दिवालियापन की कार्यवाही में SSR स्टील का लगभग 42,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। इस सौदे में गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा स्थित बंदरगाह संपत्तियों के साथ ही हजीरा में 2 बिजली संयंत्र और 1 बिजली संयंत्र लाइन शामिल था। हालांकि बाद में ये मामला अदालत में चला गया था, लेकिन अब दोनों ने इस मामले को सुलटा लिया है। एसआर की शुरुआत 1969 में एक निर्माण कंपनी के रूप में हुआ था। अब ये ग्रुप स्टील, ऊर्जा, शक्ति, संचार, नौवहन, बंदरगाहों एवं प्रचालन तंत्र के साथ साथ विनिर्माण, सेवा एवं खुदरा क्षेत्र में फैल चुका है। इसका मैनेजमेंट श्री शशि रुइया चेयरमैन एसआर समूह और श्री रवि रुइया वाइस चेयरमैन एसआर समूह द्वारा किया जाता है। समूह का कुल राजस्व 15 अरब डॉलर या 1.2 लाख करोड़ रुपए है और एसआर ग्रुप की एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कुछ कम नहीं है। ये आंकड़ा 8 अरब डॉलर या 64,000 करोड़ रुपए तक जाता है, जो भारत और विदेश में फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।